प्यारे बच्चों, BLED.IN में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उषा। आज हम आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुखातिब हो रहे हैं। उसके पीछे तमाम सारे रीजंस थे, तो काफ़ी इंटरप्शन हो गया है, उसके लिए हमें खेद है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपको पढ़ा रहे थे BLED फर्स्ट ईयर में समकालीन भारत यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में हमारा चल रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, आज उसका पार्ट फिफ्थ है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही लंबा पार्ट है, तो आज उसका हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट फिफ्थ। और उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चल रहा था, उसके बाद जो उसकी जो नीति है, आज हम आपको पढ़ाएंगे उसमें वर्क एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कार्य अनुभव। तो जो कार्य अनुभव है वो सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए, ऐसा नीति कहती है। और जो कार्य अनुभव है वो एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। ठीक है, एक्चुअली जो कार्य का अनुभव है वो हमें करने के बाद ही प्राप्त होता है, जिससे समाज को वस्तुएं या सेवाएं मिलती हैं। यह अनुभव कैसा होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड और शेड्यूल्ड कार्यक्रम के द्वारा दिया जाना चाहिए। कार्य अनुभव की जो गतिविधियां हैं वो विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होंगी। शिक्षा के स्तर के साथ ही कुशलताओं और ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती जाएगी। इसके द्वारा किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा। माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले पूर्व जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चुनाव में सहायता मिलेगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप भी चलाए जाते हैं जिनसे जो शिक्षक हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं। ठीक है, या कोई भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति वर्कशॉप से क्या कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, और ट्रेंड होके अपना, ठीक है, कोई भी व्यवसाय डाल सकता है। आगे हम देखेंगे कि एजुकेशन और एनवायरनमेंट को लेके क्या पॉलिसीज़ हैं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़रूरत है, और यह जागरूकता बच्चों से लेकर समाज की सभी आयु वर्ग और क्षेत्र में स्प्रेड होनी चाहिए। तो पर्यावरण के प्रति हमारा यदि एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ होगा, ठीक है, तो हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। मैथमेटिक्स टीचिंग में क्या है, गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को, जो बच्चों की सोचने समझने, तर्क शक्ति को बढ़ाने, एनालिसिस करने और अपनी बात को तर्क संगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एक विशिष्ट विषय होने के अतिरिक्त गणित को ऐसे विषय का सहवर्ती माना जाना चाहिए जिसमें विश्लेषण और तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है। विद्यालयों में बच्चों, आप जैसे जान रहे हैं कि अब कंप्यूटर का प्रवेश बहुत ज़रूरी हो गया है, और कंप्यूटर से क्या होगा कि बच्चों को जो शैक्षिक उनकी जो संगणनाएं हैं उनका उनको करने का मौका मिलेगा। कार्यकारण जो संबंध हैं और जो चर होते हैं उनकी पारस्परिक क्रिया को समझने और सीखने की प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। गणित शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपकरणों के साथ जुड़ सके। अब आगे देखेंगे कि साइंस टीचिंग को लेकर हमारी क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं। तो विज्ञान शिक्षा को अधिक मजबूत बनाना है ताकि विज्ञान में बच्चों की जिज्ञासा कैसी हो, बढ़े विज्ञान की तरफ, ठीक है, उनकी सृजनात्मकता बढ़े, ठीक है, प्रश्न हल करने का साहस और सौंदर्य बोध जैसी योग्यताएं और मूल्य विकसित हो सकें। ऐसा हमें प्रयास करना है अपनी पॉलिसीज के द्वारा। विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि उनसे विद्यार्थियों में समस्याओं को सुलझाने और निर्णय करने की योग्यता उत्पन्न हो सके, और वे स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और जीवन के अन्य पहलुओं के साथ विज्ञान के संबंध को समझ सकें जो अब तक औपचारिक शिक्षा के दायरे से कैसे रहे हैं, बाहर रहे हैं। उन तक विज्ञान की शिक्षा को पहुंचने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यदि हम विज्ञान को अपने जीवन में लाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही क्या होती है, चीज़ें समझ में आती हैं।
आगे हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को लेकर भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्यसिद्धि के इवोल्यूशन में शामिल किया जाएगा। यानी फिजिकल एजुकेशन और खेलकूद का राष्ट्रव्यापी आधारभूत रचना को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा। पहले स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन जो थी वो हमारे सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड थी, लेकिन स्पोर्ट्स तो था लेकिन फिजिकल एजुकेशन नहीं था। लेकिन अब फिजिकल एजुकेशन भी हमारे सिलेबस में निहित हो गया है। इस आधारभूत रचना के तहत खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। शहरों में उपलब्ध खुले क्षेत्र खेलों के मैदानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उसके लिए क्या होगा, वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, ऐसी खेल संस्थाएं और छात्रावास स्थापित किए जाएंगे जहां आम शिक्षा के साथ साथ खेलों की गतिविधियों और उनसे संबद्ध अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के जो पारंपरिक खेलों पर उचित बल दिया जाएगा। शारीरिक और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। सभी विद्यालयों में योग शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे और इस दृष्टि से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग की शिक्षा भी सम्मिलित की जाएगी। तो यानी कि जो 86 की आपकी पॉलिसीज थी उसमें योग शिक्षा पर बल दिया गया था और आज देखिए कि योग को हमारे जो कुरिकुलम है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान उसमें मिल चुका है और अब योग के टीचर्स भी स्कूल और कॉलेजेस में आने लगे हैं। द रोल ऑफ यूथ, युवा वर्ग की क्या भूमिका होगी? तो शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे। इस समय जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर आदि की जो योजनाएँ चल रही हैं उनमें से किसी एक में भाग लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। संस्थाओं के बाहर भी युवाओं को विकास, सुधार, विस्तार के कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना को सुदृढ़ किया जाएगा। इवोल्यूशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म में भी सुधार किए जाएंगे। मतलब एग्जामिनेशन रिफॉर्म किया जाएगा, जैसे कि मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में भी सुधार की कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी। विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। एक अच्छी शैक्षिक नीति के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिए। यानी कि बच्चे को हम कैसे एवेल्यूट करेंगे कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, स्टूडेंट ने क्या सीखा है। तो एक तो यह होगा कि हम उसको डेली एवेल्यूट करें, जो बच्चा कॉलेज में आ रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं, और दूसरा कि हम एग्जामिनेशन के आधार पर उसको क्या करेंगे, एवेल्यूट करेंगे। परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा जिससे कि इवोल्यूशन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके। फंक्शनल फॉर्म में इसका अर्थ ये होगा कि अत्यधिक संयोग और आत्मगत्ता के अंश को समाप्त करना होगा। जो रटाई है, रटाई पर जोर को हटाना होगा। मतलब बच्चों को चीज़ों को समझाना है। विद्यार्थी है वो चीज़ों को क्या करेगा, समझेगा, क्योंकि जो समझी हुई चीज़ होती है वो मस्तिष्क में बैठ जाती है और रटी हुई चीज क्षणिक होती है। ऐसी सतत और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और शास्त्रेतर पहलू समाविष्ट हो जाए और जो शिक्षा और शिक्षण की पूरी अवधि में कैसे रहे, व्याप्त रहे। अध्यापकों, विद्यार्थियों और पेरेंट्स के द्वारा इवोल्यूशन की प्रक्रिया को प्रभावी उपयोग में लाया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन में सुधार होगा। परीक्षा में सुधार के साथ साथ जो आपकी शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों में भी सुधार होगा। माध्यमिक स्तर से क्रमबद्ध रूप में सत्र प्रणाली का प्रारंभ होगा और अंकों के साथ साथ ग्रेड का भी प्रयोग होगा, जैसा कि अब होने लगा है। ये उद्देश्य बाह्य परीक्षाओं और शिक्षा संस्थाओं के अंदर के मूल्यांकन दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाएगा। अब टीचर के बारे में क्या है, तो टीचर के लिए देखिए, किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक
सामाजिक दृष्टि का पता चलता है। कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों को स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, अध्यापक स्तर सबसे ऊंचा होता है। समाज और सरकार को ऐसी कंडीशंस बनानी चाहिए जिनसे जो टीचर्स को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापक को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे नए प्रयोग कर सकें और कम्युनिकेशन की उपयुक्त विधियाँ और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नए उपाय निकाल सकें। अध्यापकों की भर्ती प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से और कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हों जिनमें प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो सके। ये कोशिश की जानी चाहिए कि पूरे देश में वेतन में, सेवा शर्तों में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता हो। अध्यापकों की तैनाती और तबादले में व्यक्तिगत निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशन सिद्धांत बनाए जाएंगे। उनके मूल्यांकन की एक पद्धति तय की जाएगी जो प्रकट होगी, मतलब सारी चीज़ें कैसी होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, आंकड़े और तथ्यों पर आधारित होंगी जिनसे सबका योगदान होगा। ऊपर के ग्रेड में तरक्की के लिए शिक्षकों को उचित अवसर दिए जाएंगे, जवाबदेही के मानक तय किए जाएंगे, अच्छे कार्य को क्या करा जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और जो निष्क्रियता है उसको क्या करा जाएगा, हटाया जाएगा, ठीक है, और उसको डिस्करेज किया जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वयन करने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। आगे जो आपके प्रोफेशनल प्रामाणिकता की हिमायत करने, शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक संघों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता बना सकते हैं और इसका अनुपालन करा सकते हैं, यानी कि संघों की भी महत्वपूर्ण भूमिका पॉलिसी में है। टीचर एजुकेशन में देखिए क्या है कि अध्यापकों की शिक्षा का एक सतत प्रक्रिया है और इसमें सेवा पूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। पहले कदम के रूप में अध्यापकों की शिक्षा की प्रणाली को आमूल बदला जाएगा। अध्यापकों की शिक्षा के नए कार्यक्रम में सतत शिक्षा और इस शिक्षा की नीति की नई दिशाओं के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल होगा। आगे हम देखेंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिन्हें हम डाइट कहते हैं, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। समय समय पर यहाँ पे टीचर्स को क्या करा जाता है, ट्रेन किया जाता है। इन संस्थाओं की स्थापना के साथ बहुत से जो आज के समय में जो वैल्यूबल नहीं हैं उन संस्थाओं को बंद किया जाएगा। कुछ चुने हुए माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों को दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं के पूरक के रूप में काम कर सके। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सामर्थ्य और साधन दिए जाएंगे जिससे वे परिषद अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देने के लिए आधिकारिक हों और उनके शिक्षा क्रम और पद्धतियों के बारे में मार्गदर्शन कर सकें। अध्यापक जो हैं वो शिक्षा की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों में आपस में मिलकर काम करने की व्यवस्था की जाएगी। अब आगे देखेंगे हम कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा का प्रबंध के विषय में क्या नीति है। तो शिक्षा की जो आयोजना और प्रबंध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हैं कि शिक्षा की आयोजन और प्रबंध को दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश के विकासोन्मुख और जनशक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ना, ठीक है, विकेंद्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना, लोक भागीदारी को प्रधानता देना जिससे गैर सरकारी एजेंसियों का जुड़ाव और स्वैच्छिक प्रयास शामिल है, शिक्षा की आयोजना और प्रबंध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना, यानी कि जो फीमेल है हमारा उसका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना है और उसको और आगे लाना है, प्रदत्त उद्देश्यों और मानदंडों के संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना करना है। नेशनल लेवल पे देखिए कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा।
ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन संबंधी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। ठीक है, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड उपयुक्त समितियों के माध्यम से और मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क तथा समन्वय के लिए बनाए गए प्रक्रमों के माध्यम से कार्य करेगा। केंद्र और राज्यों के शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए इनमें व्यावसायिक दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को लाया जाएगा। इंडियन एजुकेशन सर्विस भारतीय शिक्षा सेवा शिक्षा के प्रबंध की उपयुक्त ढांचे के निर्माण के लिए तथा उसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय शिक्षा सेवा का अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाए। इस सेवा के संबंधित बुनियादी सिद्धांतों, कर्तव्यों, नियोजन की विधि के बाबत निर्णय राज्य सरकार के परामर्शों से किया जाएगा। राज्य सरकारों से भी हम काउंसिल करवाएंगे, उनकी भी राय लेंगे। स्टेट लेवल पे राज्य सरकारें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह से ही राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना करेंगी। मानव विकास से संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के समाकलन के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे। शैक्षिक आयोजनों, प्रशासकों और संस्थान के अध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मुनासिब चरणों में संस्थागत प्रबंध किए जाएंगे। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या पॉलिसीज हैं जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रबंध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी तथा राज्य सरकार ने यथाशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करेंगी। शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आलोचना, समन्वय, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन में केंद्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां सहभागिता निभाएंगी। शिक्षा व्यवस्था में संस्थाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उनके चयन और प्रशिक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। लचीला रवैया अपनाते हुए विद्यालय कॉम्प्लेक्स को विकसित किया जाएगा ताकि शिक्षा संस्थाओं के आपसी ताने बाने का माध्यम बने। शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने और उनके द्वारा जो कर्तव्य निष्ठा के मानदंडों के पालन में सहायक हो। साथ में जो विद्यालय संगमों के द्वारा संबंधित संस्थाओं के लिए अनुभवों का आपसी आदान प्रदान करना तथा एक दूसरे की सुविधाओं में साझेदारी का रिश्ता बनाना संभव होना चाहिए। यह अपेक्षा की जा सकती है कि विद्यालय संगम की व्यवस्था के जमने के साथ निरीक्षण कार्य का ज़्यादातर जिम्मा संभाल लेंगे। उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारी वॉलंटरी एजेंसीज होती हैं, ठीक है, और एडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं। तो गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को जिनमें समाज से भी सक्रिय समुदाय भी शामिल है, प्रोत्साहन दिया जाएगा उनको और विशेष वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते कि उसकी प्रबंध व्यवस्था ठीक हो। इसके साथ ही संस्थाओं को रोका जाएगा जो शिक्षा को व्यापारिक रूप दे रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रिसोर्सेज और रिव्यूज में। शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा से संबंधित अन्य सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे समतावादी उद्देश्यों और व्यवहारिक तथा विकासोन्मुख लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुरूप शिक्षा में पूंजी निवेश हो। इस हद तक संभव होगा उन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे जैसे कि चंदा इकट्ठा करना, इमारतों का रखरखाव तथा रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर प्रयोग करना। वे संस्थाएं जो अनुसंधान में या वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपने काम का उपयोग करने वाली एजेंसियों पर उपकर या प्रभाव लगाकर कुछ साधन जुटा सकती हैं। इन एजेंसीज में सरकार और उद्योगों को शामिल किया जाएगा। ये सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिए किए जाएंगे बल्कि शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावना को उत्पन्न करने के लिए भी कारगर होंगे। तथापि साधनों की समूची वित्तीय आवश्यकताओं के मुकाबले में इन उपायों से थोड़े ही अंश में योगदान हो पाएगा। वास्तव में सरकार और देशवासियों को ही मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधन जुटाने होंगे। यथा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, निरक्षरता निवारण, देश भर में सभी वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा की सामाजिकता दृष्टि से प्रासंगिकता बढ़ाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यात्मकता में वृद्धि करना,
ज्ञान तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वयं स्फूर्ति, आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, राष्ट्रीय अस्मिता बनाए रखने के लिए अनिवार्य माने गए मूल्यों के प्रति चेतना जागरूकता पैदा करना। शिक्षा में आवश्यक पूंजी न लगाने या पर्याप्त मात्रा में लगाने के हानिकारक परिणाम वास्तव में बहुत गंभीर हैं। इस तरह व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की उपेक्षा से होने वाली हानि अस्वीकार्य होगी। इन क्षेत्रों में पूरी तरह संतोषप्रद स्तर के कार्य का निष्पादन न होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अपरिहार्य क्षति होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोग को सुचारू रूप बनाने के लिए स्वतंत्रता से अब तक समय समय पर गठित संस्थाओं ने नेटवर्क को पर्याप्त मात्रा में तथा तत्परता से आधुनिक बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये संस्थाएं बड़ी तेजी से पुरानी पड़ती जा रही हैं। इन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिए पूंजी लगाने का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि हमें इन्वेस्ट करना, यदि हमें पूंजी लगानी है तो हमें पूंजी लगानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 की थी, उसमें निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाए ताकि वह यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के 6% तक पहुँच सके। क्योंकि तब से अब तक शिक्षा पर लगी पूंजी का स्तर उस लक्ष्य से काफी कम रहा है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अब इस नीति में निर्धारित कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प दर्शाया जाए। यद्यपि समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के जायजे के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाएगा, परंतु इस नीति के कार्यान्वयन में पूंजी निवेश जिस हद तक जरूरी होगा उस हद तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करके वह राष्ट्रीय आय के 6% से सर्वदा अधिक हो। समीक्षात्मक में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्षों में अवश्य ही की जाएगी। कार्यान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे आगे मिलते रहेंगे। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है blednotes@gmail.com। BLED की बुक्स के लिए आप हमें ईमेल से भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास BLED की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की इंग्लिश मीडियम की बुक्स उपलब्ध हो गई हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की हिंदी मीडियम की बुक्स भी हैं, और सारी ऑप्शनल जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हैं उनकी हिंदी में बुक्स हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि किंडल पर हमारी ई बुक्स रन कर रही हैं। आपको यदि और भी कोई आवश्यकता हो तो आप व्हाट्सएप नंबर हमारा ले लीजिए 7055248478। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई बुक्स की वांट हो तो कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बता दें कि जो फर्स्ट ईयर की जो BLED की बुक्स हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, कोर मैथमेटिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, नेचुरल साइंस, कोर साइंस, कोर सोशल साइंस और नेचर ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध हो चुकी हैं। सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं जो हमारे पास आ चुकी हैं प्रिंट होके, वो कॉग्निशन एंड लर्निंग है। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस और लैंग्वेज एक्विजिशन, ये 4 बुक्स हमारे पास सेकेंड ईयर की भी आ चुकी हैं। थर्ड ईयर की जो बुक्स अब हमारे पास उपलब्ध हैं इंग्लिश में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, लॉजिको मैथमेटिक्स है, पेडागोगी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है, स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से और BED बुक्स इन हिंदी मीडियम की भी उपलब्ध हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, तो कभी भी आपको किसी भी बुक की आवश्यकता हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमसे संपर्क साध सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को चाहिए हो तो आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं BLED.in पर। ठीक है, अब बस हमें आपसे यही अपेक्षा रहती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमसे अभी भी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।